नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि मलेशिया से रिलेटेड कोई इंक्वायरी दीजिए। तो भाई मैं बता दूं, 2019 लास्ट दिसंबर तक के आउट पास ओपन थे। आप सब लोगों को पता होगा जो मलेशिया से इंडिया आए हैं या वहां पे हैं या जाने की सोच रहे हैं, सबको पता है आउट पास 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। ठीक है, जैसे 31 दिसंबर लास्ट डेट खत्म हुई, आउट पास स्टॉप, यानी वहां की गवर्नमेंट ने आउट पास बंद कर दिया। आप सब लोगों को पता होगा इस बात का। ठीक है, और आगे भी कोई अपडेट नहीं दिया गया कि काफी सारे बंदे वहां पे बच गए थे, क्योंकि छुट्टियां पड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों के आउट पास नहीं लगे। तो क्या वो इंडिया आ पाएंगे, किस तरह से आएंगे, कितनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने पिछले 8-9 महीने से आउट पास बंद कर रखे थे। मुश्किल से उन्होंने दिसंबर का टाइम दिया, दिसंबर एंड हो गया, तो भैया वहां की गवर्नमेंट एकदम भयंकर तरीके से स्ट्रिक्टली हो जाएगी और हो चुकी है। क्योंकि अगर वो सहूलियत देती तो आज 6 जनवरी हो चुकी है, कुछ न कुछ आपको अपडेट जरूर मिलता कि भाई जो आउट पास नहीं लग पाए हैं, नहीं लगा पाए हैं, वो कैसे भी करके अपनी अपनी कंट्री लौट जाएं, या आउट पास दोबारा लग जाएंगे आपके, या 5-10 दिन आपको और मिलते हैं। ऐसी कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है, नहीं मुझे लगता है कि आएगी। भाई जब आउट पास बंद हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल पास बंद हो गए, तो आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है कि आउट पास बंद हो चुके हैं, अभी कोई ओपन नहीं होने वाले हैं। अभी जो वहां बच गए वो बच गए, वो वहीं पे रहो, काम करो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो भारी जुर्माना, जेल काटनी पड़ेगी, वो नो डाउट। सेकंड टॉपिक पे अपनी बात ये करेंगे कि 2019 खत्म होने के बाद जैसे 1 जनवरी स्टार्ट हुई 2020, यानी 2020 में मलेशियन गवर्नमेंट ने इंडियन वीजा जो 15 दिन का होता था, विजिट वीजा जिसपे आप घूमने के पर्पज से जाते थे, लेकिन बहुत सारे 80% लोग वहीं पे इलीगल होके काम करते थे, उस वीजा को मलेशियन गवर्नमेंट ने सब कंट्रियों के लिए, खासतौर से इंडिया के लिए, ऑन अराइवल वीजा कर दिया है। जी हाँ साथियों, ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। अगर आप मलेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं, घूमने का पर्पज ये भाई 14 दिन आप वहां पे रुक सकते हो उस वीजा में, तो इंडिया के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है। और जो 55-56 कंट्रियां थी उसके अकॉर्डिंग चलते हुए उनके पीछे मलेशियन गवर्नमेंट ने भी अब इंडियन वीजा ऑन अराइवल कर दिया। जो वीजा 2000 का आता था, 2-3 घंटे में मिल जाता था, वो वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीजा ऑन अराइवल है। डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाओ, वहां से फॉर्म भरो, अपनी जानकारी सबमिट करो और मलेशिया इमिग्रेशन क्लियर कर लीजिए। ठीक, इस पे मैं अलग से सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा कि ऑन अराइवल वीजा करने के पीछे मलेशियन गवर्नमेंट का मकसद क्या है उस पे, क्योंकि 5-6 मिनट लग जाएंगे, तो भाई वो अलग से वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, दो न्यूज हो गई, एक तो आउट पास बंद है, अभी कोई अपडेट नहीं है, और दूसरा ऑन अराइवल वीजा है। तीसरी अपडेट है नहीं, लेकिन मैं श्योर ये बता दूं कि अभी तक वर्क परमिट वीजा से रिलेटेड मलेशियन गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है। लोगों की आस ये थी कि जनवरी 5-10 जनवरी तक कोई ना कोई अपडेट वहां की गवर्नमेंट देगी, अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद 10 जनवरी के बाद का था, लेकिन ये ऑन अराइवल वीजा प्लस जो आउट पास बंद होने की वजह से मैंने ये वीडियो अभी शेयर कर रहा हूं। अगर कोई अपडेट आती है वर्क परमिट वीजा से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। 3 नंबर हो गए, चौथा नंबर पे बात करेंगे भाई, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार, कोई भी अगर विजिट वीजा में कोई एजेंट आपको भेजने की सोच रहा है या आप जा रहे हैं, क्योंकि एक दो वीजा अभी भी विजिट वीजा 15 दिन वाले मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि मेरा जैसे मैसेज का, फीस का मैसेज आता है कि भैया फीस जमा करा के बात कर लीजिए, तो वो कॉल नहीं करते, अलग इश्यू है कि वो वहां जाके फंसेंगे, वो जाने उनका काम जाने। विजिट वीजा में न जाएं, आप ये वीडियो थोड़ा दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि यार कोई बंदा जाने से रुक जाए, क्योंकि अगर बंदा विजिट में चला गया तो मलेशियन गवर्नमेंट आने के ऑप्शन सब बंद कर दिए भाई, आने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि एजेंट तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हम वीजा लगवा देंगे, हम आपको सेटिंग ये वो सब 2 नंबर की बातें, होता है नहीं होता है ये मान के चलिए, नहीं होता है। तो विजिट वीजा में जाओगे तो आउट पास गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, कब खुलेगा कोई पता नहीं है, जुर्माना भी मेरे हिसाब से 10,000-5,000 रिंगिट का मैं सुन रहा हूं, अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, होगा 6 महीने की जेल होगी, तो थोड़ा सा बच ले। 5 नंबर पे बात करेंगे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैं बता दूं उस पे, हालांकि मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, कि अगर कोई ऑनलाइन वीजा आपको चेक दिखाता है कि ये देखो मेरी कॉलिंग आ चुकी है हमारे 10 बंदों की, 20 बंदों की, तो उस पे विश्वास ना करें,
उस पे अलग से वीडियो डालना पड़ेगा मुझे, उस पे विश्वास ना करें भाई। अगर कोई कॉलिंग दिखाता है तो उसको पहले चेक कर लें, वो कॉलिंग फेक हो सकती है। ठीक है साथियों, ये मलेशिया से रिलेटेड मेरे पास 4-5 पॉइंट थे, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नई जानकारी रोज प्राप्त करने के लिए उन लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए जो मलेशिया जाने की सोच रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।